बहुत अच्छा है और टीवी के कास्टिंग है द टीवी आई स्टार्टेड माय करियर विद ललित सर एंड ही स्टॉप्ड मी हाउ टू फेस द कैमरा सो आई एम हियर टू सपोर्ट विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फिल्म एंड टीवी से फिल्म का एक जर्नी है उनका तो वी ऑल एज द को एक्टर एज फ्रेंड वी आर हियर टू सपोर्ट देम हाँ ऑफकोर्स वी ऑल आर एक्साइटेड दैट्स व्हाई हियर वी आर हियर टू सपोर्ट देम एंड इट्स अ फुल पावर मूवी एंड करण इज नोन फॉर हिज पावरफुल परफॉर्मेंस सो आई एम हियर टू वॉच कि फिल्म में कैसा परफॉर्मेंस आता है क्योंकि 3 घंटे की फिल्म एंड 3 साल का शो बहुत डिफरेंस होता है वो एक्टिंग मीडियम में सो लेट्स सी हाउ इट्स कम अप आई एम ऑल्सो गोइंग टू वॉच इट फॉर द फर्स्ट टाइम Yeah, I met all the girls last night because it was Mansi's music album debut and today we all are meeting because it's Lalit sir's movie debut. So yeah, it's a great thing, yeah. All our friends are doing well, so we are here to wish them luck and support them and I wish everybody all the best. Ye kehna chahunga bahut khush hain, bahut khush hain hamare director. Bahut nervous hai. Nervous to bilkul ye nervous ye hai. Hum bilkul nervous nahi hai, sach mein hum bas देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अभी मैंने मेरी सिस्टर से बात की उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तूने एक चीज़ स्टार्ट की और उसे ख़त्म कर दी है और वो रिलीज़ हो गई है सब जगह तो हमें तुमसे दिखाई दे रहा है सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए ललित के लिए मेरे डैड के लिए मेरे लिए टीजे के लिए दैट वी स्टार्टेड समथिंग व्हाट वी लव्ड एंड वी हैव फिनिश्ड इट एंड इट हैज सीन द लाइट ऑफ द डे नाइस सेम क्योंकि यही है तो हाँ नहीं कबूले में अच्छा लेवल दिया था तो उस लेवल को थोड़ा सा एक ट्रांजिशन दिया है इश्क़बाज़ के पहले इन्होंने ये फिल्म स्टार्ट की थी करेक्ट हाँ और जो रोमांस इन्होंने इस फिल्म में करवाया और मैं दिन में इश्क़बाज़ शूट करता था और रात को ये फिल्म शूट करता था तो अभी इसका नया एंगल है रोमांस का इस फिल्म के अंदर अभी देखिएगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत रहा बहुत सुपर था मैं क्या कहूँ यार ये एक तो एक्टर के बतौर आप सेट पे जाते हो एक्ट करके थोड़े अपने टेंटर दिखा के चले जाते हो ठीक है इस फिल्म में एक्चुअली हाँ केवी सही आदमी है बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं था बिकॉज ये फिल्म में हमने हमारा खून पसीना पैसा सब कुछ लगाया हुआ है एंड हमें बिकॉज हम बड़ी बड़ी फिल्मों के अगेंस्ट आ रहे तो हमें भी एक ऐसा एक मुकाम एक ऐसी स्टैंडिंग हमें करनी थी कि लोग ऐसे ना बोले कि अरे ये आए और ये चले गए नहीं वैसी बड़ी फिल्मों के साथ ये फिल्म भी हो और दोनों के साथ दोनों के बारे में बात करें हमें ये एक हमारा यही बेसिकली गोल था एंड विद गॉड्स ग्रेस वी हैव अचीव दैट मैन भाई सोए नहीं हम लोग रातों से मैं बताता हूँ तो मतलब केवी शॉट करता था और मुझे हमेशा डर लगता था पता नहीं क्या होगा कि परफॉर्मेंस ना भूल जाए डायलॉग ना भूल जाए बीच में जाके मेकअप मैन आया कि नहीं आया चेक करता था वैनिटी आया कि नहीं यूनिट का खाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा एयरपोर्ट पे गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची ड्राइवर पहुंचा कि नहीं पहुंचा अच्छा रात के लिए सब लोग का खाने का इंतजाम हो गया कि नहीं हो गया तो बींग एन एक्टर साथ साथ ये जो प्रोडक्शन जो केवी ने किया दैट वॉज आई थिंक टू टफ एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट आई थिंक एवरी पार्ट ऑफ इट चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो कैंपेनिंग मार्केटिंग हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो मतलब दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस और वेरी वैल्यूबल एक्सपीरियंस जो हमें आगे बहुत काम आएगा यार अभी बहुत आ गया टीवी और फिल्म में जो मैं डिफरेंस देखता हूँ एज अ डायरेक्टर जब आप एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए आते हो तो आप स्टेज पर होते हो क्योंकि आपने वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है आपने वो लोकेशन फाइनल की है सब कुछ आपने किया एंड टेलीविज़न दैट सर्टन डिपार्टमेंट जो कोई कॉस्ट्यूम देखेगा क्रिएटिव कोई कुछ देखेगा स्क्रिप्ट किसी और की होगी अप्रूवल किसी और का एडिट कोई और कर रहा होगा ठीक है म्यूज़िक कोई और फाइनल करेगा बट इन फिल्म यू डू एवरीथिंग सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन टेलीविज़न एंड द फिल्म यू डोंट कम एट अ स्टेक व्हाइल यू आर शूटिंग अ टीवी शो मतलब टीवी का ऐसा है कि वेडिंग प्लानर को दे दी वो करे वो संभाले मूवी का क्या है
कि माँ बाप भाई बहन उन्हीं को सब कुछ करना पड़ता है, यू नो दे आर इन्वॉल्व फ्रॉम द स्टार्ट, न्योता देने से लेकर साड़ी कपड़े खाना पीना कार्ड्स एवरीथिंग यू हैव टू डू एंड यू नो ये दिस इज़ अ लेबर ऑफ आवर लव और हमने वो सब कुछ किया जो शादी में करते हैं एक्चुअली. सॉरी भाई कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे ही बयान नहीं करते, वो बस हमारे जहन में रखते, दिल में रखते हैं और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते, थैंक यू सो मच. बट यही कहना चाहूँगा इट हैज़ बीन वेरी वेरी वेल रिसीव्ड पॉपुलैरिटी वाइज भी और क्रिटिक वाइज भी. इसके अलावा वन डे की रिलीज हो रही है अरे अनुपम जी की फिल्म भी इतनी अच्छी करे, हमारी फिल्म भी इतनी अच्छी करे, अनुपम जी इज़ अ वेरी वेरी आई रिस्पेक्ट आई लव हिम टू मच ओके एंड आई फील ऑल मूवीज शुड डू वेल. सबसे डिफिकल्ट रहा है पिक्चर को रिलीज करना सच में, बिकॉज हमने सोचा कि ठीक है हम स्टूडियोज में देंगे या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे. इट्स नॉट ईजी टू क्रैक डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज वो एक बिजनेस है, वो एक फिल्म का एक फिल्म बना लेते हो, दैट्स ईजी पार्ट आई थिंक यही रहा टू मार्केट एंड टू सेल द मूवी. देन मैंने पापा को बोला यार पापा आपका इतना बढ़िया मतलब बरसों से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, व्हाई डोंट यू डू दिस. तो इसे रियली आई थिंक यू नो वो जैसे हनुमान कैसे होता है ना, हनुमान को रियलाइज करना पड़ता है कि उसकी पावर क्या है, तो पापा को भी रियलाइज कराना पड़ा कि आपकी पावर ही है. एंड दैट्स व्हेन ही कॉल्ड ऑल द पीपल ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस इंडिया एंड एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि यार करते हैं, बेटे की पिक्चर है लड़के की पिक्चर है चलो करते हैं. एंड विद गॉड्स ग्रेस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टअप हो गया इसे. उसके लिए हम आ गए हैं ना भाई, डोंट वरी, वी लर्नड इट द हार्ड वे एंड वी विल हेल्प यू गाइस. बस अब यहाँ से सीख ले, अब अगली बहुत तुरंत अनाउंस करने वाले हैं. हमने एक ट्विस्ट छोड़ा है इस फिल्म के एंड में, तो शायद उसी ट्विस्ट से हम स्टार्ट करें हमारा दूसरा वाला. हाँ वेब शो को, वेब शो क्या स्पाइडरमैन रिलीज हो रही है तो वेब शो क्या करना, स्पाइडरमैन को करो. देखते हैं यार स्टोरी अट्रैक्टिव होगी आपको अच्छा लगेगी तो आप करोगे, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी फर्स्ट. तो चीज़ें बहुत सारी चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो अभी तो प्रायोरिटी यही था कि फिल्म रिलीज़ हो जाए और उसका क्या रिस्पांस आता है, वो कैसा वर्क करता है, तो इसी में सब लोग बिजी थे. तो अब इसके बाद फ्री होऊंगा तो, और मैं तो काफ़ी टाइम से कंटिन्यू शूटिंग ही कर रहा हूँ इतने सालों से, तो थोड़ा एक ब्रेक भी चाहूँगा एक महीने का. ट्रेलर मैंने आप लोगों ने जब देखा उससे काफ़ी पहले देख लिया था, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि फिल्म कब रिलीज होगी एंड टुडे इज़ द डे. आई विश ऑल द लक टू द होल टीम एंड मैं स्पेशली ऐसा एक शो कर रही हूँ जो रिलेटेड है इस फिल्म से, मतलब इट इज़ ऑन द डार्कर साइड, सो आई वुड लव टू वॉच दिस फिल्म और आप सभी को भी बहुत मज़ा आएगा फॉर पीपल हु लव द थ्रिल. पहले आप चल रहे थे. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सुरभि, मतलब ऑफकोर्स ये भी मुझे पता था कि होने वाला है एंड आई कांट वेट टू सी हर शो बिकॉज मैं संजीवनी की फैन रह चुकी हूँ, ग्रेस एनाटॉमी की फैन रह चुकी हूँ, सो एंड आई एम श्योर शी विल डू प्योर जस्टिस टू द रोल. वेल दैट्स अ सरप्राइज एक्चुअली, मैं और जैन साथ में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं एंड वही मैं कह सकती हूँ किसके साथ कर रहे हैं वो मैं नहीं बताऊँ. इट्स एक्चुअली ग्रेट दिस टाइम, नजब अली हैज अ लॉट ऑफ सरप्राइजेज, सलमान खान इज वन ऑफ इट. तो या नहीं भाई कुछ नहीं देखने वाला, अभी चुप रहो तुम, मिटवाओगे सबके सामने. देखो अभी फिलहाल तो आई हैव अचीव द रिवेंज जिसकी वजह से मैं घर में थी, सो आई हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी. तो भाभी देवर वाला कोई इक्वेशन हमारा था नहीं, जब मेरा पति नहीं था तो और कोई रिश्ता तो मायने ही नहीं रखता मेरे लिए. सो या कभी अगर फ्यूचर में वैसा हो तो आई एम श्योर ऑडियंसेस विल लाइक इट, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप लोग मुझे ट्रेलर इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि उसमें ऑब्वियसली केवी है और आई एम ऑल्सो वॉन्टिंग टू मीट द हीरोइन, शी इज वेरी प्रिटी. सर कैसे प्रोड्यूसर का रिव्यू आ रहे हैं, आप प्रोड्यूसर
लगेगी करण, सबकी लगती है, प्रोड्यूसर बनना आसान नहीं होता, तो मज़ा आएगा। आई होप दैट ही मेक्स मनी एंड मेक्स मोर फिल्म एंड मोर क्रिएटिव वर्क जो उसे एक्साइट करे लाइफ में, बिकॉज दैट्स व्हाट वी ऑल लिव फॉर। बहुत डिफिकल्ट होता है, दैट्स वन ऑफ द रीजन्स वाई आई डू नॉट फेस द कैमरा इन स्टफ दैट आई प्रोड्यूस, बिकॉज प्रोड्यूसर्स का बहुत डिफरेंट मार्जिन होता है, बहुत डिफरेंट तरीके से काम करना होता है, उनकी गाइडलाइंस बहुत सेपरेट होती है, बट इफ़ यू आर योर सेल्फ ऑन द प्रोजेक्ट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सलमान सर, अरे वो तो टेलीविजन कब से कर रहे हैं, वो कब से बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं। सो टेलीविजन का पार्ट होना केवल प्रोड्यूस होना ही नहीं होता है, आप किसी भी माध्यम से जब उसके पार्ट होते हो तो यू आर पार्ट, टेलीविजन इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ टुडे। हो गया, मैं जाऊँ ऑफकोर्स इट इज यार, बहुत बहुत रिस्क इसलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, यू आर पुटिंग ऑल योर सर्विसेज ऑल्सो राइट देयर एंड योर टाइम, एंड आई थिंक टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन एल्स ऑल्सो, प्लस पुटिंग योर ओन मनी ऑन टू इट। सो आई फील दैट, बट अगेन अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं सुनाओगे तो कोई और क्यों सुनाएगा, यू हैव टू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ इन व्हाट यू विल रियली बिलीव इन एंड दैट मेक्स। हाँ तो हम सोच रहे हैं ऐसे क्या करेंगे ना, फिल्म सिटी जाएंगे और पिज्ज़ाज को ना ऐसे उठा उठा के अंदर फेंक दिया करेंगे, तो जिससे पहले कि कोई आकर ढूंढ भी पाए था तो लोग हाउस में खा लेंगे, क्योंकि हमें बड़ा मन करता था ऐसे पिज्ज़ाज विज्ज़ाज आ जाए तो। इसके अलावा अनुप सर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमें वापस जाना हो तो कैसे कैब के साथ में जाना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? अनुप सर। यार मैं तो जानता नहीं हूँ ना उनको पर्सनली, तो वो उनका जो मन करेगा वो बोल सकते हैं। हाँ मैं उनसे मिला नहीं हूँ पर्सनली, तो अगर उनका मन करे वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। मुझे सुरभि के साथ जाना है पर वो सुरभि वहाँ खड़ी रहती है और मेरे पास आती नहीं है बिल्कुल भी। देखो दैट्स शी इज़ राइट देयर, मूवी हैज स्टार्टेड एंड आई हैव टू गो एंड शी विल ईट माय हेड। मुझे पता ही नहीं है, मैं बहुत जसलीन ने केस किया दीपक ठाकुर पे, क्यों जसलीन ने केस किया है दीपक ठाकुर पे? नहीं मैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, जसलीन ने अपेरेंटली केस किया है दीपक ठाकुर पे। अरे यार जसलीन है वो बिग बॉस में। हाँ तो पता था, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मुझे पता नहीं था कि कुछ केस हुआ है। आई लव यू गाइस, बाय। भाई मूवी का पोस्टर ही ऐसा है कि रोमांटिक टाइटल है और थ्रिलर पिक्चर है, तो कुछ अलग है और आजकल अलग ही चल रहा है भाई, तो ऑडियंस पहले कंफ्यूज होनी चाहिए फिर आगे देखना चाहिए थिएटर में कि हो क्या रहा है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेटअप बिकॉज मनोज बोरा की लुक भी जो है शाहरुख खान वाली है और पिक्चर भी थ्रिलर डर के जैसी है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, वेरी एक्साइटेड बिकॉज समथिंग विच इज़ थ्रिलिंग इज ऑलवेज एक्साइट्स मी।
और ये शुरू से ही बहुत हम उसको एक्चुअली कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और कॉलेज से ये एकदम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बहुत ही फोकस्ड लड़का था एंड हमें वी ऑलवेज न्यू दैट ये जो भी करेगा कुछ अलग चीज़ निकल के आएगी क्योंकि इसका पैशन और बहुत ही क्रेजीनेस से करता है. सो हम एक टाइम थोड़े टाइम पहले मिले थे जब ये फिल्म की शुरुआत होने वाली थी टी सीरीज के ऑफिस में और हमें पता था कि अब ये घुस गया तो फिल्म ज़रूर बनाएगा. सो वी वेरी हैप्पी कि फिल्म आज की डेट में फिल्म बना तो बहुत लोग देखते हैं, थिएटर तक पहुँचाना मुश्किल होता है, बन भी गई थिएटर में आ भी गई. सो वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम. भाई म्यूज़िक अगर अच्छा बनेगा तो सराहाया जाएगा एंड हमारी बेस्ट विशेज हैं मीत ब्रदर्स एज म्यूजिशियंस कि सब इंडस्ट्री को अच्छा म्यूज़िक बनाना चाहिए और वी विल वांट कि भाई चार्ट्स में जाएगा ना. बहुत अच्छा म्यूज़िक है इस फिल्म का भी और बहुत अच्छा लग रहा है सबको. सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी बिग हिट. ट्रेलर बहुत अच्छा लगा एंड पोस्टर भी बहुत अच्छा लगा और बहुत वी आर वेरी इंट्रीग्ड कि सस्पेंस है थ्रिलर है कुछ तो थ्रिलर है समथिंग इन द मूवी एंड वी वेटिंग एक्चुअली टू सी कि एंड में होगा क्या क्लाइमैक्स क्या होगा क्योंकि ट्रेलर देख के कहीं पे थोड़ा बहुत गेस हो जाता है देयर इज रोमांस देयर इज ड्रामा देयर इज एक्शन बट एक्चुअली मिस्ट्री क्या है वो देखने में बहुत इंटरेस्ट है. आई थिंक आजकल धीरे धीरे स्टोरी लाइन्स चेंज हो रही हैं दे आर ट्राइंग न्यू सब्जेक्ट समथिंग और द अदर ये भी कुछ नया लग रहा है पुट इन द मूवी सो दैट मूवी ही डिफरेंट लगे. हाँ हाँ सो ऐसे ही कुछ इस मूवी में भी है शायद हो सकते हैं. इज इट अ मर्डर आई थिंक कुछ तो हो सकता है सस्पेंस थ्रिलर थ्रिलर विदाउट अ मर्डर तो नहीं होता है तो देयर कैन बी अ मर्डर ऑल्सो और देयर कैन बी समथिंग एल्स आई एम जस्ट गेसिंग. सो ऐसा कुछ तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है ही है. वेल लकीली एल्बम को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन अ डे वी हैव क्रॉस्ड 100K सो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि टचवुड माई फर्स्ट म्यूजिक वीडियो और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑल माई फ्रेंड्स केम तो कल की रात एक्चुअली रियली नाइस सो प्लीज वॉच. तो कल की रात भी हैपनिंग थी और हम आज भी सर का बेसिकली वी आर हियर फॉर ललित सर एंड केवी. ललित सर वॉज आर इशबाज डायरेक्टर एंड वी आर हियर टू सपोर्ट एंड वॉच द मूवी. आई होप हो आफ्टर द मूवी कल एक रियूनियन था थैंक्स टू मानसी आज सब मिल रहे हैं कल सब गर्ल्स मिले थे तो अच्छा है सबको मिलके भी अच्छा लग रहा है साथ में मूवी भी देखेंगे तो और मजा आएगा. या आई होप हो कुछ मूवी के बाद प्लान. किसी ने इतनी सुंदर शिपकली देखी है कभी सो शी इज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स वही तो वो दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली हाँ वही वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कैसे स्कैरी लग सकती हूँ तो मेरा स्कैरी अवतार दिखा रहे हैं दिव्य दृष्टि में. स्कैरी नहीं लग रही तो अच्छी लग रही है बहुत. नहीं बट दैट इज़ देयर मोटिव कि वो दिखाना वो चाहते हैं कि लोग डरे मतलब एज अ कैरेक्टर लावण्या से लोग डरे सो दैट इज़ व्हाई दे हैव मेड मी अ शेप शिफ्टर लिजर्ड सो विच इज़ न्यू फॉर मी ऑल्सो मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ रोल कर रही हूँ सो डेफिनेटली इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी. थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई बट देन एवरी डे आई फेस पहली बार कुछ क्रोमा का शूट करते हैं ना क्रोमा का और शेप शिफ्टर यू नो आधा कुछ और पहना होता है और आधे नीचे कपड़े कुछ और पहने होते हैं सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी बट आई एम लविंग इट. अब तो शोज ही ऐसे बनते हैं आजकल नागिन और कौन से हैं नागिन नज़र दिव्य दृष्टि में कितना आपको पता नहीं है हम लोग एक एक छोटे छोटे शॉट के लिए कभी कभी 4-5 घंटे स्ट्रेच हो जाता है बिकॉज वो इतना टेक्निकल शॉट होता है बिकॉज ऑफ फ्लाइंग और समथिंग एल्स. सो बहुत टाइम लगता है ऐसे शोज़ बनाने में एंड आई थैंक यू टू ऑल द दिव्य दृष्टि व्यूअर्स कि आप सबको अच्छा लग रहा है जो भी हम सीन्स बना रहे हैं सीन्स कर रहे हैं एंड थैंक यू फॉर लविंग दिव्य दृष्टि. हम पेशेंट्स हो गए डॉक्टर ईशानी को देख के तो वो अभी आके हमारा ट्रीटमेंट करेंगी तब हम बताएंगे कैसा लग रहा है. संजीवनी अभी देखो ना अभी तक उससे पार्टी नहीं दी है पार्टी नहीं है अभी तक पार्टी से अभी भी वो कहीं उससे टाइम ही नहीं मिल रहा शूट से अभी उसका अभी से इतना हेक्टिक हो गया शूट कि शी इज नॉट एबल टू यू नो गेट टाइम सो अभी मिलेगी जैसे ही तो हम उसको पार्टी के लिए पकड़ लेंगे. थैंक यू साथ में मतलब काफी टाइम बाद.
द टीम ऑफ हमें तुमसे प्यार कितना जिसके स्क्रीनिंग के लिए हम आए हैं उनके वजह से हम सब मिले और हम काफ़ी लोगों से मिले एंड ऑल बहुत अच्छा बहुत इतना अच्छा लगा कि हम आ ही गए कि हम देख ही लेते फिल्म कैसी है। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, इसीलिए तो हम आ गए हैं। और एक एक फिल्म में जितना थ्रिलर, रोमांस, एक्शन जो चाहिए, आई थिंक इट्स एवरीथिंग देयर एंड आल्सो द सॉन्ग्स आर सो ब्यूटीफुल। हाँ क्या आई मीन आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप। लोग इंडस्ट्री में आते हैं ये सोचने के लिए कि हम एक्टर्स बनेंगे और एक्टर्स में एक बड़े मुकाम पर जाएंगे, बट ही एक्चुअली गॉन इवन अ स्टेप अहेड, वो प्रोड्यूसर भी है इस फिल्म के। सो आई थिंक इट्स ग्रेट, या आई थिंक इट्स ही इज ग्रोइंग इन द फिल्म एंड ऑल द लव, ऑल द बेस्ट विशेस टू केवी एंड द होल टीम ऑफ हमें। यस, मैं बता चुकी हूँ एक्चुअली, फिर बताइए। ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, लाइक पीपल वॉन्ट टू नो कि नेक्स्ट क्या होगा फर्स्टली एंड सेकेंडली नाम बड़ा प्यारा फिल्म का, हमें तुमसे प्यार कितना, सो दैट्स आई गेस दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि फिर खींचेगा कोई ना कोई, नहीं नहीं अभी आपको जरूर खींचोगे। हाँ पूछो, भाई फिल्म स्टार्ट हो गई है, ये बस ये प्रॉब्लम है, क्या है ये? कन्हैया की तरह बैठे हुए हैं गोपियों के बीच। ये देखो दोस्तों, ये देखिए अंकल आंटी। ओके नाउ, ऐसा हीरो कब, कहाँ, किधर, किसने देखा जो खुद अपने आप जाके लोगों को, गेस्ट को बोलता प्लीज आके पीछे। लोग बिजी है इंटरव्यू देने में, क्या करूं मैं इंटरव्यू देने। चल बॉय लेट्स गो एंड वॉच द मूवी। कम ऑन।